हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम बात करेंगे आपके एक टॉपिक पे जिसका नाम है लेटर राइटिंग। आपके इंग्लिश के पेपर में राइटिंग सेक्शन है, उसमें लेटर आता है, ध्यान है आप सबको, ओके। और ये लेटर जो है भाई काफ़ी ज़्यादा नंबर कवर करता है, आपको भी ध्यान है, ये 6 मार्क्स कवर कर लेता है, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, ओके। तो सारे लेटर्स की बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स पे। आपको ध्यान है कि फॉर्मल लेटर होता है एक इनफॉर्मल लेटर होता है। आपके सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 लेटर्स दिए हुए होते हैं देखो, मगर आप बेसिक बात करें तो जैसे आपके लेटर टू एडिटर होता है, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर होते हैं, और 12th क्लास में तो एप्लीकेशन फॉर जॉब ये भी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, इस वीडियो में देखो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, जो फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, उसके फॉर्मेट पे बात करेंगे, और मैं आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल करा दूंगा, ओके। और फिर एंड में आपको मैं कुछ टॉपिक्स दे दूंगा इनफॉर्मल लेटर्स के, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ओके। अपने बोर्ड एग्जाम में प्रीवियसली आस्क हो चुके हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स मैं आपको एंड में बता दूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट बताना मेन उद्देश्य है, और एक एग्जाम्पल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ये जो लेटर है अपना इनफॉर्मल लेटर वो समझ आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर पर बात करेंगे, और मैं हर लेटर की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको दुविधा ना हो। इसमें हम इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे, अगली वीडियो में मैं लेटर टू एडिटर की बात करूंगा, फिर हम फॉर्मल लेटर्स की या ऑफिशियल लेटर्स की बात कर लेंगे, और फिर एंड में एप्लीकेशन फॉर जॉब ये बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा क्या उद्देश्य है, इनफॉर्मल लेटर्स को समझना। इनफॉर्मल, अब सुनना, अनौपचारिक पत्र कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। अब ये लिखे किसे जाते हैं, जो अपने भाई क्लोज होते हैं ना, जैसे रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको ये लेटर्स लिखे जाते हैं। कौन से, इनफॉर्मल लेटर। ये बेसिक बातें हैं, वो थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर्स लिखे किसे जाते हैं, जो अपने क्लोजेस्ट होते हैं ना, मतलब अपने घनिष्ठ होते हैं, समझ रहे हो। और ये किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, जैसे किसी को बुलाना हो, आमंत्रण देना हो, निमंत्रण देना हो, या फिर उसको काइंडली रिगार्ड्स, उसके प्रति कुछ अपने को जो भी भावनाएं व्यक्त करते हैं ना, क्लोज से, जो अपना क्लोज होता है, समझ रहे हो आप, वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, सीधी ब्रीफ बात, ठीक है। तो अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा, ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है भाई। मैं आपको अभी समझाऊंगा इसे, और फिर एक एग्जाम्पल करा दूंगा, और फिर एंड में वीडियो के आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगा, आप उन टॉपिक्स, वो जो लेटर्स के टॉपिक है इनफॉर्मल, उनको तैयार जरूर करिएगा, क्योंकि प्रीवियसली आस्क हो चुके हैं वो, और एक्सपेक्ट है अपने को इस बार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेटर्स मैं आपको बता दूंगा एंड में। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट की, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बता दिया आपको क्या होता है, अब सुनना, पहले ही पहले एड्रेस आएगा भाई, एड्रेस। और एड्रेस को भाई ये नहीं आप 4-5 ऐसे 1-2-3-4-5 ऐसे 5 लाइनों में नहीं लिखना, आपको सिर्फ एड्रेस जो 3 लाइन्स में लिखना। देखो मैं एक बार अभी मैं बता दूंगा ढंग से, जैसे एड्रेस आएगा सबसे ऊपर, जहां आप हो ना, जहां आप हो, आपको क्वेश्चन में भी आप दे देगा, जैसे देता है यू आर रजत, यू आर सुनीता, कुछ भी ऐसे, तो अपने को वो मानना पड़ता है फिर कि अपन वही है। तो अपना एड्रेस या तो दिया हुआ होता है, और आप कई बार दुविधा में पड़ जाते हो कि यार क्वेश्चन में तो एड्रेस नहीं दिया हुआ, नाम दे दिया कि यू आर रजत, फिर अब कुछ हमारा एड्रेस क्या लिखें। तो है ना, कोई भी आप इच्छा अनुसार कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तब जब क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ हो ना, तो आप कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो एड्रेस लिख सकते हैं, मगर 3 लाइन्स तक। और मैं आपको बता, देखो एड्रेस हो गया, फिर एक लाइन छोड़नी है आपको, फिर आपको लिखनी है डेट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से लिखनी है डेट, किस तरह से एड्रेस लिखना है, एक बार फॉर्मेट समझा देता हूँ। फिर देखो इसमें आता है माई डियर, माई डियर। अब अपना क्वेश्चन में या तो नाम आ जाएगा, ठीक है, और नहीं आया तो जैसे कोई सिस्टर, कोई कोई बंदा, वो जैसे मुकेश है, वो भाई
अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है कि भाई मेरी सिस्टर की मैरिज है तो आना है, ठीक है। तो अब यहाँ माई डियर है ना, तो उसके आगे जिसको भेजा है ना वो आ जाएगा, नहीं समझे, सीधी सी बात है। या तो क्वेश्चन क्वेश्चन में आ जाएगा कि योर फ्रेंड नाम आ जाएगा, ठीक है, और नहीं आया तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। माई डियर अनुज, माई डियर रजत, माई डियर सीमा, माई डियर सुनीता, जो भी है, समझ आ रही है आपको, माई डियर आता है। और सुनो, कॉमा नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। माई डियर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, अभी समझा दूंगा, बेफिक्र रहिए। फिर देखो ना, तो इसमें कोई सर आता, और सब्जेक्ट भी आजकल यूज होता नहीं है इनफॉर्मल लेटर्स में। इनफॉर्मल लेटर्स में आजकल जो सब्जेक्ट होता है ना भाई, जैसे माई, फिर सब्जेक्ट आता है कि किस सब्जेक्ट पे अपन लेटर लिख रहे हैं, आजकल यूज होता नहीं है। ओके, अपने अकॉर्डिंग टू अपने RBSC जो बोर्ड है उसमें ये क्लियर कर दी गई है ये चीज़, और जो बोर्ड्स है ना उनमें भी क्लियर हो चुकी है चीज़। इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब देखो एक चीज़, फिर माई डियर रजत लिख दिया जैसे आपने, तो फिर ये अपन यहाँ कोमा लगाते हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ से, ठीक है ना, वो भी गलत है। माई डियर लिख दिया और ऐसे नहीं कि इसके नीचे एक लाइन छोड़ दी, लाइन छोड़ दी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको नीचे से स्टार्ट करना है, समझ रहे हो, जहाँ ये लिखा है उसके नीचे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं आप यहाँ से कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये बॉडी हो जाएगी आपकी, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। अब देखो विद लव क्या है, जैसे अपना लेटर कंप्लीट हो गया यहाँ तक, फिर अपन एंड में इसमें एक चीज़ लिखते हैं विद लव, जैसे काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योवर मदर, टू योवर सिस्टर, मतलब अगले ने बुलाया अपने को तो अपन उसको रिप्लाई दे रहे हैं ना लेटर से, तो अगर अपन एंड में थोड़ा सा प्रेम भी व्यक्त करते हैं कि Kindly convey my best regards to your mother और father, समझ आ गई, तो वो वाली चीज़ है। और सुनना देखो, और your sincerely और truly, इन दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। देखो sincerely ज़्यादातर यूज़ होता है और truly ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, अब एक चीज़ बता दूँ इसमें क्या, अब जैसे पेरेंट्स जो रिलेटिव है ना, जो अपने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार जो होते हैं ना रिलेटिव्स, उनके लिए तो आप लिख सकते हो, जैसे फादर को लिख रहे हो आप अपने, तो योर लविंग सन, ठीक है, मदर तो योर लविंग सन, ओके, अंकल योर, ठीक है ना, तो वही वाली बात है, जो रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स उनके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप योर सिंसियरली या योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, समझ आ गई बात, या फिर योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, जो भी है वो लिख सकते हैं, और अपना एंड में नाम ये क्वेश्चन में आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से लिखना है, फॉर्मेट समझ आ गया आपको। अब आते हैं हम एड्रेस पे, अब जैसे मैंने कहा था ना एड्रेस, जैसे एड्रेस लिखें, जैसे कुछ भी लिख सकते हो आप, अज्यूम कर लो कुछ भी, जैसे B20, ओके गली का नाम हो जाता है तो ठीक है, वैशाली नगर, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो, अगर आपको, मैंने कहा ना आपको 3 lines में लिखना है तो आपके लिए ज़्यादा इजी रह जाएगा, जैसे आप वार्ड नंबर लगा दीजिए, वार्ड नंबर 36 लगा दो, ठीक है, वैशाली नगर लगा दो, जो भी मैंने कहा ना आपको कि आप 3 lines में लिख सकते हो, और ये कहाँ है, जयपुर में है, तो 3 lines का एड्रेस हुआ, नहीं हुआ, देखो समझ आ गई बात, इस तरह एड्रेस होना है अपना, वो इस 3 lines से ज़्यादा मत लिखना, ऐसे लिख दो वार्ड नंबर, और फिर जो अपना जहाँ पर अपन रहते हैं कोई भी मोहल्ला, ठीक है, फिर वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो लिख दो, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो, अब एक लाइन मैंने कहा ना डेट, अब डेट कैसे लिखनी है वो भी सुन लो, जैसे अब 5 अक्टूबर, ठीक है, तो आप 5OCT ऐसे लिख सकते हैं, 2022 ऐसे लिख सकते हैं, ओके, ओ सिटी लिख सकते हैं, या फिर अक्टूबर पूरा लिख सकते हैं, कोई उसमें दुविधा नहीं है, मगर ऐसे नहीं लिख सकते, देखो जैसे 5 और 10वां महीना होता है अक्टूबर का, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते ना आप, ऐसे लिखना आपको ऐसे डॉट करके, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, या तो आप 5OCT ऐसे लिख दीजिए, कुछ भी, जैसे 5 फेब, ओके
2022, तो ये वाली जो मैटर है ना ये गलत है, ये मत लिखना। ओके, तो ये एक लाइन छोड़ के आप इस तरह डेट लगा सकते हो, 5 अक्टूबर, ओके, 5 फेब, 10 फेब, जनवरी, ओके, तो पूरा भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, अक्टूबर पूरा भी लिख सकते हो। अब माय डियर कोई भी देख लो, माय डियर, अब जैसे मेरे को रजत ने बुलाया है भाई अपनी सिस्टर की मैरिज में, तो ठीक है मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, माय डियर रजत, ये लो, समझ आ गया आपको, एक लाइन छोड़ी, एक लाइन छोड़ी, अब ठीक है। तो अब आपको ये नहीं, एक अगर लाइन छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मगर नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़िएगा, आप सीधा लिखिएगा, यहाँ से आपका मैसेज स्टार्ट हो जाएगा भाई, समझ आ गई आपको, ये आपका मैसेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये आपका मैसेज चलता रहेगा, फिर जैसे आधा यहाँ तक आ गया आपका, ये यहाँ लेटर खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, ठीक है, चाहे एंड में हुआ कोई बड़ी बात नहीं, चाहे यहाँ तक चलो इतना खत्म हुआ, यहाँ आपने फुल स्टॉप लगा दिया, अब आपको क्या करना, मैंने कहा था ना विद लव, तो आपको क्या करना है, जैसे लिख देना काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर, ठीक है, काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर, मैंने कहा था ना एंड में, जैसे आपका लेटर बॉडी चल रही है आपकी, ठीक है, और फिर आपका जैसे यहाँ खत्म हो गया चाहे यहाँ खत्म हो गया, नीचे वाली लाइन से लिखना कि काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर, ठीक है, और अब क्या लिखना, मैंने कहा ना फिर लाइन छोड़ देना, आप यहाँ लिख सकते हैं योर सिंसियरली, ओके, योर सिंसियरली, अपना नाम लिख दो, जैसे सुरेश हो आप, ये आपका नाम हो गया, समझ आई आपको ये बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये डेट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, कोमा कोमा कुछ नहीं आएगा भाई, जो आप कोमा लगाते हो ना यहाँ, जैसे माय डियर रजत, तो आप यहाँ कोमा लगाओगे वो भी गलत होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना ये जो इनफॉर्मल लेटर है ये लिखना है, समझ आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको, देखो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया भाई कि ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, मैं आपको बता भी दिया इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लिख के बता दिया कि आप इस तरह लिख सकते हो, आपको एड्रेस लिखना है, आपकी डेट हो गई, माय डियर जो भी है, ठीक है, आपका मैसेज हो गया, फिर लव हो गया विद लव, बताया ना आपको, और फिर योर सिंसियरली या ट्रूली, और अगर फादर मदर हैं अंकल हैं तो योर लविंग, ठीक है, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, तो वो वाली चीज़ है और नाम आ जाएगा, ठीक है, क्यों, अब दुविधा एक चीज़ बता दो, जैसे क्वेश्चन में नाम नहीं आए, जैसे यू आर कुछ भी, अरे आपको नाम नहीं दिया गया कि आप ऐसे ऐसे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, और अगर एड्रेस दिया हुआ हो तो ज़रूर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, दो लाइन में, ठीक है, दो लाइन में भी लिख सकते हैं, ओके, दो लाइन में भी लिख सकते हैं या 3 लाइन में भी लिख सकते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, लाइन यहाँ आपको छोड़नी है, यहाँ छोड़नी है, यहाँ छोड़ते हैं तो ओके, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है लेटर, तो आप नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करोगे लिखना, काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर फादर एंड मदर, और फिर एक लाइन छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं अपन योर सिंसियरली या फिर ट्रूली, या फिर अगर फादर मदर की बात हो रही है तो योर लविंग सन, क्लियर। तो अब मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना बता दिया, और अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ लेटर का, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, और फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट लेटर्स है ना, कुछ 5 या 6 में लेटर्स आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आप उनको भी ज़रूर तैयार किएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पर, हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, और फिर मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करे हैं जिन पर प्रीवियसली आस्क हुए हैं क्वेश्चन, और इस साल भी एक्सपेक्ट है कि आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार एक एग्जाम्पल देख लो अपने पैटर्न के अनुसार, देखो इमेजिन यू आर धीरज, ठीक है, इमेजिन यू आर धीरज, तो आप समझ आ गए आपको कि आप कौन है, धीरज है, ठीक है।
तो अब आपको समझ आ गया नीचे नीचे आप नाम किसका आएगा। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अंश, मैंने खुद का नाम भी लिख दिया। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अंश। ठीक है, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। समझ आ गया आपको, इमेजिन यू आर दिस। ठीक है, आपका नाम समझ आ गया आपको। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अंश, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, एल्डर सिस्टर मैरिज पे। तो देखो, मैंने कहा था ना कि एड्रेस आ जाएगा ऊपर ही ऊपर, एड्रेस आ गया। मैंने कहा था दो लाइन में भी आ सकता है, थ्री में भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन ने एड्रेस दे दिया 2016 वैशाली नगर जयपुर, छोड़ के डेट लिखी 10 अक्टूबर 2022। ठीक है, आप डेट को अगर पूरा लिखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, पूरा लिखने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आप OCT लगा के भी कर सकते हो, मगर अगर आप पूरा लिखोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखो 10 अक्टूबर 2022 लाइन छोड़ी, माय डियर। अब देखो धीरज लिख रहा ना, यू आर इमेजिन। ठीक है, तो अब अपने फ्रेंड को देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, तो माय डियर अंश। अब उसने नाम लिख दिया भाई, इसको मेरे को लिख रहा है। ठीक है, देखो अब वो लिख रहा है, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज बीन सेटल्ड। ठीक है, जो मेरी सिस्टर की मैरिज है वो सेटल हो चुकी है भाई, निश्चित हो चुकी है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन द 15th नवंबर, डेट हो गई है। द ब्राइड ग्रूम इज ए डॉक्टर ऑफ ए वेरी रेस्पेक्टेबल फैमिली। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। प्लीज ट्राई टू कम एट लीस्ट ए वीक बिफोर द मैरिज, प्लीज ट्राई टू कम एट लीस्ट ए वीक बिफोर द मैरिज सो दैट आई मे गेट योर हेल्प एंड एडवाइस। ठीक है, समझ आ गया। तो अपनी बॉडी, और फिर मैंने एंड में क्या कहा था, ऐसे जैसे खत्म हो जाता है यहाँ पर, फिर आपको विद लव, तो वो वाले विद लव में प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, प्लीज कन्वे। अगला लिख रहा भाई, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स योर सिंसियरली या ट्रूली। ठीक है, सिंसियरली भी आ सकता है, ट्रूली भी आ सकता है। और लिख रहा कौन है, इमेजिन यू आर धीरज, तो आप हो धीरज और आपने अपना नाम लिख दिया। हो गया क्लियर। ये होता है अपना इनफॉर्मल लेटर, जो अपने क्लोजेस्ट जो फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव होते हैं, अपने घर वाले, घर के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। खैर आजकल इसका यूज थोड़ा कम हो चुका है, आजकल इसका यूज कम हो चुका है, जो बस इसे पेपर में ही अधिकतर पूछा जाता है, वैसे पेपर तक ही सीमित रह चुका, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप हो गया, आपको ध्यान है सबको, तो आजकल ऐसे ही इनविटेशन आ जाता है। देखो तो इसका यूज और एग्जाम में खैर आ जाता है, और जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें तो ये आ ही जाता है हर बार, जैसे अब 10th 11th 12th, ये जो 3 क्लासेज है ना, इनमें तो भाई या तो आपके ऑफिशियल लेटर्स पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर लेटर टू एडिटर पूछ लेते हैं, ओके, बिजनेस लेटर पूछ लेते हैं, और 12th में तो एप्लीकेशन फॉर जॉब भी पूछ लेते हैं। तो ये है अपना, समझ आ गया आपको, मैंने फॉर्मेट बता दिया आपको, एक एग्जांपल करा दिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स पे, जो प्रीवियसली आस्क हुए हैं और इस बार भी लग रहा है कि इनमें से कुछ आने की एक्सपेक्टेशन है। देखो, बर्थडे पार्टी, अगला भाई कोई भी हो, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो बर्थडे पार्टी के लिए, या अगला किसी को कर रहा है, बर्थडे पार्टी टॉपिक पे तैयार करना है आपको। देखो सेकंड, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर। मतलब कि एक लेटर तैयार करो भाई अपने फादर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई एक हिस्टोरिकल टूर हो रहा है, उसमें जाने की परमिशन के लिए। ठीक है, थर्ड चलो, इनवाइटिंग ब्रदर एंड सिस्टर्स मैरिज, वही ब्रदर एंड सिस्टर। अब जैसे अपन ने ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज का एक करा ना इनवाइटिंग वाला, तो या तो ब्रदर की मैरिज का आ जाएगा, सिस्टर की मैरिज, या फिर मैरिज सेरेमनी पूछ लेगा। ठीक है ना, या तो मैरिज के लिए बुलाया, या फिर मैरिज की जो सेरेमनी है उसके लिए बुलाया जा रहा है। ये टॉपिक है सिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज, मैरिज सेरेमनी, 3 टॉपिक बता दिए, हिस्टोरिकल टूर, बर्थडे पार्टी, मैरिज वाला। ठीक है, अब देखो, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ के बारे में, आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपको एक लेटर लिखना अपने फादर को कि भाई आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, टू सेंड मनी फॉर हॉस्टल रेंट, ये भी अपने आपको अपने घर आपके जो गार्जियंस हैं उनको लिखना है भाई कि हॉस्टल में आप रह रहे हो तो कुछ
मनी सेंड करे हॉस्टल रेंट के लिए, ठीक है। देखो और देखो, सिक्स हैश कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग ए गोल्ड मेडल। आपका कोई भी फ्रेंड है या कोई भी आपका जानकार रिलेटिव है वो भाई गोल्ड मेडल जीता किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो उसको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए लिखा जा सकता है, पूछ सकता है आपसे। और कॉन्ग्रेचुलेशन एक और है जो इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस। मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसके शानदार मार्क्स आए हैं, तो अब आप उसको एक कॉन्ग्रेचुलेशन के रूप में एक लेटर लिख रहे हो उसको, ठीक है, ये बहुत बार आ जाता है। अब इम्प्रूवमेंट इन स्टडी। अब जैसे आप कहीं रह रहे हो, आप जैसे रूम लेकर रह रहे हो या फिर हॉस्टल में रह रहे हो, आपको आपकी जो स्टडी है वो थोड़ी सी, पिछले आपका टेस्ट हुआ होगा, आपके पिछले टेस्ट में बहुत कम नंबर आए, तो आप टेस्ट के नंबर पेरेंट्स के पास जाते हैं ना, तो पेरेंट्स ने फ़ोन जो भी करा होगा कि भैया ऐसे क्या, तो फिर एक इम्प्रूवमेंट इन स्टडीज़ के लिए अपन अगला लिखता है, ठीक है, समझा कि क्या आप अपनी स्टडी सुधारो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और चीज़ों को छोड़ो। देखो और लास्ट है एडवाइजिंग टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, ठीक है, ये अपना कोई बड़ा ब्रदर लिख सकता है ये चीज़, ठीक है, कि आपका कोई बड़ा ब्रदर है, वो जानता है आपके सारे रंग ढंग की, आप किस तरह से किन कामों में घुसे हुए हो और आपकी किस तरह से जो स्कोर है कम जाता जा रहा है, ठीक है, तो उसको एडवाइस कर रहा है, उसको सलाह दे रहा है कि भाई मेहनत कर और अवॉइडिंग बैड कंपनी, और जो तेरे बुरे दोस्त है ना, जो भी बुरी संगति है तेरी उसको छोड़। तो ये 8 टॉपिक सेलेक्टेड हैं, जो इनमें से जनरली आस्क कर ही लेता है अगर इनफॉर्मल लेटर होता है तो, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में इनमें से जनरली आस्क हो जाता है। तो हमने क्या करा, फॉर्मेट समझा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा पैटर्न बताया, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, और फिर मैंने आपको 8 इनफॉर्मल लेटर सेलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो बताए। ये अपना हुआ इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, और लेटर्स की भी मैं वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे इसमें मैंने सिर्फ बात करी इनफॉर्मल की, फिर अगले में बात करेंगे अपन फॉर्मल लेटर्स की, फिर ऑफिशियल की, बिजनेस की और एप्लीकेशन फॉर जॉब की, सबकी सेपरेट वीडियो, इसी तरह से पैटर्न रखूंगा, पहले फॉर्मेट, फिर उसके अकॉर्डिंग एक आपको बताऊंगा, और फिर एक एग्जांपल कराऊंगा, और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस लेटर के वो बता दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स आपको प्रोवाइड हैं, ओके, तो आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे आस्क कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी आस्क कर सकते हैं। आपकी ये वीडियो है 10th 11th 12th तीनों क्लास है उनके लिए यूजफुल है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना है, उन्हें भी बताएं कि इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं भाई, और उन्हें भी इन टॉपिक से रूबरू कराएं कि यार इस साल के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तैयार कर लो, ठीक है, और तो करना ही करना मगर इनको मत छोड़ना, ठीक है, और तो करना ही करना इनको मत छोड़ना, और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी, ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, ओके, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच।